जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपका छोटा भाई के चैनल में। भाइयों बस 76 आवर्स बचे हैं आइस नेटवर्क लिस्ट होने पे, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ 76 आवर्स बचे हैं। तो इस वीडियो में आपको आपके कुछ डाउट्स है, ठीक है, जैसे कि हम मान सकते हैं इसकी प्राइस के ऊपर, ठीक है, कि इसका प्राइस कितना हो सकता है। बहुत लोगों के मन में डाउट है कि इसका प्राइस $1 तक जा सकता है। तो देखो भाइयों, हम प्राइस की बात तो क्या ही बताऊँ, हम ना प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हम दिखाता हूँ आपको। हम बात कर सकते हैं जब तक इसकी सप्लाई, एक्टिव यूज़र्स, टोटल कॉइंस, ठीक है, ग्रोथ, हम इसके डिपेंड पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका प्राइस $1 तक जाएगा, ठीक है। तो भाइयों आज मैं आपको इसको क्लियर करने वाला हूँ कि इसका प्राइस कितना जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट करके हिसाब से बता सकता हूँ मैं। तो भाइयों मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अपने छोटे भाई के चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों अगर अभी तक आपने इसमें माइनिंग करना स्टार्ट नहीं किया तो उसका लिंक मेरे टेलीग्राम में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो भाइयों बात करते हैं आइस नेटवर्क की, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा आइस नेटवर्क ने एक पेज डाल रखा था फाइनली लिस्ट होने जा रहा है OKX में, जैसे इसमें मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही 76 आवर्स बचे हैं लिस्टिंग होने में। और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, आपको छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं आएगी। तो इधर आप देख सकते हैं ये पोस्ट आ रहा है इनका टेलीग्राम का, ठीक है, और ये तो इसका कनेक्ट एड्रेस है, ठीक है। और मेन चीज़ है डिस्ट्रीब्यूट कब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर 17 जनवरी को आपके कॉइन्स आपके वॉलेट में होंगे जो आपने एड्रेस डाला होगा, ठीक है। और भाइयों अगर आपने गलत एड्रेस डाला है तो आपके पास सिर्फ आज का मौका है इसको चेंज कर लेना, ठीक है, नहीं तो 17 तारीख हो गई तो उसके बाद आपको बिल्कुल चांस नहीं मिलेगा, ठीक है, एड्रेस चेंज करने का। फिर आपके पास उधर ही जाएंगे जहाँ पे आपने पहले एड्रेस डाला होगा, ठीक है भाइयों। अब बात करते हैं इसके कॉइन डिस्ट्रीब्यूट की, ठीक, कॉइन कितने कॉइन पे कितने आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इधर करते हैं क्लिक, इसमें BNB डिस्ट्रीब्यूट के ऊपर लिख रखा है इन्होंने, तो यह रखा है आप देख सकते हो, यार आप देख सकते हो ध्यान से, द आइस KYC एंड BNB स्मार्ट चैन डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट के लिए मैंने पहले पढ़ चुका हूँ, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने लिख रखा है, इफ़ यू होल्ड 9000 आइस कॉइन डिस्ट्रीब्यूट इन जनवरी, यू विल, इधर आ रखा है सीधा, रिसीव डिस्ट्रीब्यूट कॉइन 900, मतलब 900 कॉइन होंगे। अगर आपके पास 9000 कॉइन है तो आपको 900 कॉइन मिलेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी कैलकुलेट करता हूँ मेरे पास कितने हज़ार कॉइन है, समथिंग मेरे पास 25000 कॉइन आ रखा है, एक मिनट, 25000 कॉइन है, तो 25000 का हम हाफ डिवाइड कर देना, मतलब 10% ये बांट रहे हैं, तो समथिंग मेरे पास आ सकते हैं इसके 1250 कॉइन मेरे को मिलेंगे, ठीक है। और मेन चीज़ भाइयों आप भी ये चीज़ नोटिस करना, ठीक है, ये तो हमारे कॉइन काउंट हो रहे हैं, ठीक है, थीके? क्या अब मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, क्या यह इसमें से, एक मिनट, इसमें से 10% मिलेंगे या जो हमारे वॉलेट पे हो रहे ये इसमें से 10% मिलेंगे, क्योंकि अगर हम मैं इसको देखूँ इसमें तो 25000 कॉइन करंट बैलेंस दिखाता है मेरा, 25000 बैलेंस दिखाता है इधर 25000, पर जब मैं वॉलेट में जाके चेक करूँ, ठीक है, तो इधर 16000 समथिंग दिखा रहे हैं, 16700। तो भाइयों अब मुझे ये डाउट है कि इसमें से 10% मिलेगा, ठीक है, या जो ये 25000 काउंट हुआ है इसमें से। तो भाइयों ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें अपडेट नहीं हुआ है मेरा, ये अपडेट नहीं हुआ है, या यही सारे कॉइन मिलेंगे, 16000 कॉइन मिलेंगे मेरे को, कुछ भी डाउट है, अजीब से हो रखा है, क्या पता आपके साथ भी ये हो रखा है, या जो आपका यहाँ पे करंट बैलेंस आ रखा है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका वॉलेट बैलेंस है क्या वो अलग अलग है जैसे मेरा ही है। अगर आपके भी है तो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है, मुझे थोड़ी जानकारी और मिलेगी जो मैं दूसरों को प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो बात तो ये होती है इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी हम कितना प्राइस हो सकता है, बहुत लोगों का $1 का चांस लग रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो आप देख सकते हो इसमें एक्टिव यूज़र्स कितने सारे,
ठीक है, और ये टॉप यूज़र्स है जिसके पास आइस होल्ड कर रखे हैं। मैं इसकी आईडी खोलता हूँ, तो इसके कॉइन तो दिख नहीं रहे, इसके देखेंगे। ये सारे के सारे टॉप यूज़र्स हैं और इन्होंने इतने हाफ कॉइन्स होल्ड कर रखे हैं, समथिंग करोड़ तक भी इन्होंने होल्ड कर रखे हैं, मतलब कॉइन्स अर्न कर रखे हैं। तो मेन चीज़ है देखो इसकी ग्रोथ, ठीक है। अगर ये चीज़ देखी जाए बैलेंस, हम डिवाइड कर सकते हैं एक चीज़ को। अब जैसे कि मैं आपको ना मत दिखाता हूँ, कैलकुलेट खोलता हूँ ना, तो एक हिसाब लगा लेते हैं क्या प्राइस बन सकता है, ठीक है। ये तो बिलियन है और अगर हम कॉइन्स की सप्लाई देखी जाए, और कितने मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको किस तरह आपको हो सकता है, क्योंकि स्टेकिंग कॉइन ये चीज़ सब लेकर मेरे को चलना पड़ेगा, तब जाकर ही पता चलेगा इसके कितने चांस हो सकते हैं। ये रहा, देखिए ये तो एक्टिव यूजर्स, टोटल यूजर्स पेयर स्टेक के देखते हैं। और ये है पेयर स्टेक में हो रखे हैं, बीस और ओपन चैन में तो आया नहीं है, शायद ओपन चैन का कल पता चलेगा, ठीक है, ऑन चैन ये कितना होगा। बट हम अगर अंदाज़ा लगाएं तो इससे हम टोटल कितने कॉइन अनु है, स्टेक कितने हुए हैं, अगर इसमें से प्राइस देखा जाए, ठीक है, तो प्राइस बनता है, ये बनता है 1.4 डॉलर। अब ये 1.4 डॉलर का क्या हिसाब है, मेरे को ये लगता है कि ये जो पंपिंग होएगा ना तो 1.5 तक जा सकता है, ठीक है, डॉलर तक, ठीक है। तो चांसेस ये है कि इसका प्राइस ये बने कल, तो शायद हम माला माल हो जाए, ठीक है। 1.5 डॉलर का टारगेट है, कुछ भी हो सकता है। देखो क्रिप्टो करेंसी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या चेंज कर दे कोई भरोसा नहीं है, तो अभी का टारगेट तो मैं अभी इसका 1.4 लेके चल रहा हूँ, सॉरी 1.5, अभी का टारगेट है 1.5, तो 50% है। बट ऐसा नहीं होगा कि इसका प्राइस 0.000 ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे ऊपर ही होगा, क्योंकि बहुत अच्छी इनकी पार्टनरशिप है, ठीक है, सिर्फ एक के साथ नहीं बहुत लोगों के साथ है। और ऊपर से मेन चीज़ है ये सिर्फ एक ही लिस्ट में होने जा रहा है, ये आइस नेटवर्क एक्सचेंज ऐप में भी, स्वाइप में भी बहुत जगह लिस्ट होने जा रहा है। तो भाइयों मे भी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो भाइयों बस वीडियो देने तक ही, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना छोड़ पाएंगे। थैंक यू भाई।